भी कहूँगा सच कहूँगा। मैं अर्जुन पाठक जो भी कहूँगा सच कहूँगा, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। हेलो अर्जुन जी। हेलो। टाइम क्या हो रहा है? 11 बजे। कितना टाइम बचा है? 5 मिनट। तो स्टार्ट करो। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो दो। टाइम ही तो नहीं है अर्जुन जी। अरे लेकिन मैं ऐसे लाइव स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप जानते हो ना कि फिर क्या होगा। क्या? एक धमाका। देखिए मैं लाइव जा रहा हूँ। प्लीज कुछ मत करना आप, प्लीज। सही है। नमस्ते, ये है भरोसा 24/7 और मैं हूं अर्जुन पाठक। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, एक धमाकेदार फुटेज जो हम लाए हैं सबसे पहले एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप सबके लिए। एक ऐसी स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसने एक डील करी, एक ऐसी डील जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी। क्या थी ये डील? ये डील किसके और किसके बीच थी? इसमें किसका हाथ था? ये सारी खबर हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपको बताएंगे। जैसा कि हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि ये बहुत ही खतरनाक डील है, एक ऐसी डील जो उस इंसान के सपनों और उसके अपनों के बीच हुई, एक ऐसी डील जो उसके एम्बिशन और किसी के भरोसे के बीच हुई थी, एक ऐसी डील जिसमें उसने कुछ पाया लेकिन उसके लिए बहुत कुछ खोया भी। हम आपको बता दें कि ये स्टोरी किसी की भी हो सकती है, आपकी भी या आपकी भी। इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह मेरे एम्बिशन और सक्सेस की जो भूख है मुझे उन हालातों में ले गई जहां आप में से कोई ना कोई नहीं जाना चाहेगा। सिर्फ एक फोन कॉल ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ये एक ऐसी कहानी है जिसका मैं लीड तो हूं लेकिन जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। यह है आज की धमाकेदार खबर। मैं हूं अर्जुन पाठक, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। Kartik, we of course here to launch the trailer today, yeah, and to see what this film is all about. But before we kind of go ahead and do that, okay, I have two questions for you. जी. One, अटपटा सा लग रहा है? मतलब इतने टाइम बाद इतने सारे लोगों के साथ एक रूम में, इज इट एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? इज इट डिफरेंट? हाउ एक्साइटेड यू आर? डिफरेंट है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इतने टाइम बाद ये मेरे लिए भी एक इतना बड़ा इवेंट है जिसमें हम सब वापस से शामिल हो रहे हैं और एक दूसरे को मिल रहे हैं। right. काफ़ी अरसा हो गया ऐसा इवेंट किए, एंड आई थिंक सबसे मिलने का एक उत्सुकता थी, तो वो भी बहुत यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक एक्साइटमेंट जो कल से मेरे अंदर था कि मैं सबको मिलना चाहता हूँ खुद से, एंड वो इस इवेंट के जरिए, हमारे ट्रेलर लॉन्च के जरिए धमाकेदार एक हम लोग यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं। बट एक हाँ, ज़रूर एक साल डेढ़ साल हमारा ऐसे गया है जो पैंडेमिक में हम लोग थोड़े से डरे हुए थे, एंड वी डिडंट वांट टू सी ईच अदर एंड बी अवे फ्रॉम यू नो एनी ह्यूमन कॉन्टैक्ट एज सच। बट थैंकफुली अब हम उस स्पेस में हैं जहाँ पे हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता है, एंड थोड़ा सा सेफ्टी और प्रिकॉशंस रख के हम अपना काम कर सकते हैं, हम अपनी स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो थैंक एंड आई एम रियली थैंकफुल कि सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आई नो इट टेक्स अ टोल कि अभी भी थोड़ा सा एक पैंडेमिक का एक डर रहता है दिमाग में। राइट। बट जो भी यहाँ पे हमारे सारे गेस्ट हैं, तो आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल कि आप यहाँ पे आए हमसे मिलने, एंड वी होप कि आपको ट्रेलर या हमारा पूरा लॉन्च इवेंट अच्छा लगे। सो बेसिकली कॉशियसनेस के साथ पढ़ना है, बट इट इज गोइंग टू बी अ धमाकेदार स्टार, एंड यू आर फीलिंग धमाकेदार आई अज्यूम? I'm always धमाकेदार। Ah, fantastic. All right. One more question I want to ask you. जी. Usual roles that you've played, Kartik, what we've seen of you, okay, जी. is basically that motor mouth, quick-witted, boy next door, जी. right? This is quite unusual. काफी अलग किरदार है. What's the one thing which drew you to the character or the film? अर्जुन पाठक मेरे लिए, I think, बहुत ही
वो वनीला नहीं है, एकदम वो ग्रे कैरेक्टर है. वो एक मेरे आई थिंक किरदारों में आज तक एक कॉमन थ्रेड रही है कि वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर हमेशा रहा है. करेक्ट. एंड आई थिंक वो अर्जुन पाठक के साथ भी वो एक रिलेटेबल इंसान लगेगा, जो मुझे एक्साइट किया था कि मैं भी बहुत एम्बिशियस हूँ, चाहे वो मेरा करियर हो एंड हर चीज़ हो लाइफ में मेरी, उन चीज़ों को लेकर. या अर्जुन पाठक के बारे में भी बात करें, वो भी बहुत एम्बिशियस है. कई चीज़ें, कई सिचुएशन जो उसके साथ इस फिल्म में दौरान आप देखेंगे जो आती हैं, वो बहुत रिलेटेबल सिचुएशंस हैं, जो कई बार कई इंसान को कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं और कुछ कुछ डिसीजंस लेने पे मजबूर करती हैं. तो वो कुछ भी ऐसा एक प्रीची इंसान नहीं है. राइट. यू नो, वो रियल है. आज का एक कैरेक्टर है, हम में से एक है. कोई भी हो सकता है एंड किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है, किसी भी कुछ भी काम कर रहा हो अपनी लाइफ में, वो उस नज़रिए से है. तो आई थिंक वो बहुत एक्साइट किया मेरे को कि, एंड प्लस उससे ज़्यादा भी एक्साइटमेंट मुझे ये था कि राम माधवानी सर, उन्होंने जब ये फिल्म ऑफर की मुझे, तो ऑफकोर्स मैं ब्लाइंड फोल्डली, मतलब मैंने बिल्कुल कोई सवाल नहीं, कुछ जवाब नहीं. Right. मैं सीधा ऐसे मेकर जब आपके पास कुछ कहानी लेकर आते हैं तो आप उनको मना नहीं करते. एंड आई थिंक मेरे लिए तो मैं बिल्कुल ऑल आउट गया एंड सिंसियरली इसमें पूरी तरह से काम किया, जितना उन्होंने, जैसे उन्होंने बोला आई फॉलोड. एंड आई एम सो ग्लैड. आई थिंक यू वोंट सी मी इन दिस ट्रेलर फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी यू विल सी अर्जुन पाठक, एंड ऑल थैंक्स टू राम सर. एब्सोल्युटली, राम सर इज एब्सोल्युटली अ जीनियस एंड व्हाट अ हंबल पर्सन. थैंक यू वेरी मच कार्तिक. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.